गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर टू का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। डिटेल्स में क्या दे रहा है, सबसे पहले आप इसको देखो। रॉ मटेरियल परचेज वेजेस डायरेक्ट दे रहा है, इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड, बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, बगल बगल में आपको बता देते कौन किस ओवरहेड का आइटम है। ऑफिस सैलरी जानते हैं, ऑफिस ओवरहेड। रॉयल्टी एक प्रकार का चार्जेबल एक्सपेंस है। रॉयल्टी इज ए टाइप ऑफ चार्जेबल एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट में आता है। कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आइटम है, क्लियर। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। एडवर्टीजमेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। लुब्रिकेंट फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। फैक्ट्री पावर तो फैक्ट्री लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। एजेंट कमीशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा, सेलिंग एजेंट को कमीशन दिए, क्लियर। प्लांट मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। रेंट यहां देखिए, 9/10 फैक्ट्री है, 1/10 ऑफिस है। रेंट एंड टैक्सेस का दो टुकड़ा होगा, 9/10 फैक्ट्री में आएगा, 1/10 ऑफिस में आएगा, क्लियर है। बिल्डिंग रिपेयर नॉर्मल अगर बोलते हो बिल्डिंग रिपेयर तो ऑफिस ओवरहेड होगा। कंफ्यूजन है यहां थोड़ा सा, नीचे क्लियर हो जाएगा। सेल्स पता है, यहां देखिए बिल्डिंग जो है 9/10 फैक्ट्री के लिए है और 1/10 ऑफिस के लिए है। तो बिल्डिंग का जो भी खर्चा होगा 9/10 फैक्ट्री, 1/10 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग का जो भी खर्च होगा, ओके। और देखते हैं बिल्डिंग का, यहां देखिए डेप्रिसिएशन में भी बिल्डिंग था, 9/10 फैक्ट्री, 1/10 ऑफिस। बिल्डिंग खोजेंगे, बिल्डिंग बस, और कहीं बिल्डिंग नहीं था। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एक ये रहा और दूसरा बिल्डिंग रिपेयर ये रहा। बिल्डिंग का जो भी एक्सपेंस होगा 9/10 फैक्ट्री में लेंगे और 1/10 ऑफिस में लेंगे, यहाँ क्लियर बताया हुआ है। हमको बनाना है एक स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है जिसमें प्राइम कॉस्ट आए, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट। तो कॉस्ट शीट में ये सारा नाम आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, किसी का नाम नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 31 मार्च 2018। सबसे पहले कॉस्ट शीट का पहला आइटम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है ओपनिंग स्टॉक हम लोग देखे थे 30,000। इसमें ऐड होगा परचेज भी मिला था 75,000। इसमें ऐड होगा कैरेज इनवर्ड मिला था, कैरेज इनवर्ड का था 1,500। इसको फिलहाल एक बार ऐड करेंगे 106,500। इसमें से लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था 20,000, बाहर गया 86,500। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग, ऐड परचेज, ऐड कैरेज इनवर्ड, लेस क्लोजिंग 86,500। अब आएगा आपका डायरेक्ट वेजेज।
डायरेक्ट वेजेज 45,000 था, डायरेक्ट वेजेज 45,000 था, और चार्जेबल एक्सपेंसेस में रॉयल्टीज था। चार्जेबल एक्सपेंस के जगह पे इस बार रॉयल्टीज था, और रॉयल्टीज का रुपया था 2,000। अब इसको यहां ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा प्राइम कॉस्ट 1,33,500। इसका नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसा एक्सपेंस जो फैक्ट्री में हुआ हो उसको फैक्ट्री ओवरहेड के घर में लाएंगे, तो एक्सपेंसेस को पहचानना होगा फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन हुआ है। इनडायरेक्ट वेजेज वो 7,500 था। इनडायरेक्ट वेजेज के बाद डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग भी था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में 9/10 आएगा, 1,000 था तो 900 आएगा। इसके अलावा आपका लुब्रिकेंट था 1,000 का, लुब्रिकेंट्स 1,000, फैक्ट्री पावर 3,000, नामी है फैक्ट्री, फैक्ट्री पावर 3,000, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 9/10 बोला हुआ है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस वर्क्स के लिए 9/10 बोला हुआ है, 2,000 का था, 9/10 हो गया 1,800। बिल्डिंग का कोई भी एक्सपेंस बोला हुआ है 9/10 फैक्ट्री में आएगा, 1,500 है, 9/10 हो जाएगा 1,358। ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड 7,500, 2,000, 900, 1,000, 3,000, 1,800, 1,350, 17,550। इसको ऐड कर देंगे 133,500 में 151,050। इसका नाम देंगे वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड का काम कंप्लीट हुआ। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद लाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड शुरू से चलना है, शुरू से चले डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग उसका 1/10 लाना है, तो 1,000 का 1/10 ₹100। ऑफिस सैलरीज इसका अमाउंट दिया हुआ है 15,000। इसके बाद है आपका फैक्ट्री ओवरहेड में एक आइटम हम लोग से इग्नोर हो गया, वो था प्लांट मेंटेनेंस। अगर कोई आइटम छूट जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो 6,000 था। तो ये टोटल चेंज हो गया 23,550, आइए हो गया
157,050. ऑफिस सैलरी 15,000 लिए थे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1/10 लेना है, 1/10 इज 200. बिल्डिंग रिपेयर भी 1/10 लेना है, 1/10 इज 150. अब इसको बाहर करेंगे, 15,450, ऐड करेंगे 500, 172, ठीक है. इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब इसके बाद दूसरा ओवरहेड होगा, लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सिलेक्ट करके लिखेंगे, कुछ छूटा होगा तो दिख भी जाएगा, मिस्टेक हो रहा था. फिनिश गुड्स दिया हुआ था, यहां ऐड और फिर लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक था 8,500, क्लोजिंग स्टॉक था 3,500, बाहर आपका जाएगा 5,000, 177,500. इसका एक नया नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है. ये मिस्टेक हो रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स का वर्क होता है. अब आएगा ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को पहचानना होगा, कैरेज आउटवार्ड 4,500, कैरेज आउटवार्ड 4,500, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2,000, एडवर्टाइजिंग 3,500, एडवर्टाइजिंग 3,500, इसके बाद आपका एजेंट कमीशन 8,000, एजेंट कमीशन 8,000. बस लगता है और आइटम नहीं है. 4, 3, 7, 1, 8, 10, 18,000. इसको ऐड कर देते हैं 500, 195,500. इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल के बाद लास्ट आइटम आता है ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर. सबसे पहले सेल्स चाहिए, क्वेश्चन में सेल्स है 3,00,000 रुपया. तो ये आ जाएगा 104,500, ठीक है. तो ऐसे करके ये कॉस्ट शीट बना लिए. आइटम छूटने से ही मिस्टेक होता है. सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट आएगा. फैक्ट्री ओवरहेड लाए वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड लाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स का वर्क किए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग ओवरहेड लाए टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स दिया था प्रॉफिट निकालिए, ठीक है. उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा. सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद मेरे साथ साथ धीरे धीरे बनाइए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है.
ओके, थैंक यू, बाय।